हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक स्पेशल चीज बनाने वाली हूँ मैं। अभी नवरात्रि स्टार्ट हो रही है तो आज मुझे छुट्टी मिली तो मैंने सोचा कि मैं नवरात्रि जैसे बचपन में सेलिब्रेट करते थे वैसे करूँ। हाँ, लोग फास्टिंग करते हैं, क्या क्या करते हैं। हम बचपन में ये जो है नवरात्रि का गरबा गरबो, इसको खुद से डेकोरेट करते थे और उसके बाद इसके अंदर एक दिया रहता है। ये अलग अलग मायने हैं लेकिन इसी को हम पूछते हैं नवरात्रि में। अंदर ये एक छोटा सा दिया और ऊपर ये, इसकी हम पूजा करते थे नवरात्रि में। अब मैं इसका डेकोरेशन शुरू करती हूँ लेकिन सबसे पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आए तो। और अब मैं जा रही हूँ मेरी मम्मी का खजाना रेड करने के लिए। उनके पास आर्ट एंड क्राफ्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं वो रेड करके देखती हूँ कि उसमें से मुझे क्या क्या मिलता है जिससे मैं इसको डेकोरेट कर सकूँ। तो लेट्स डेकोरेट माई गरबा। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर ये वाइट कलर लगाऊंगी। ये है टाइटेनियम वाइट। वाइट इसलिए भी लगा रही हूँ मैं क्योंकि उसके ऊपर फिर दूसरे कलर्स और ज़्यादा शो होंगे। ये हल्का सा पानी लेके, अगर आपका कलर बहुत पतला है तो शायद आपको दो कोट करने पड़ेंगे क्योंकि मिट्टी जो है वो कलर सोक करती है, तो शायद आपको दो कोट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप थिकर कलर यूज़ करोगे तो एक कोट में हो जाएगा। अब ये ऊपर का सूख गया, इसके बाद इसे उल्टा किया और हम बेस को कलर कर रहे हैं। अब मैं इसे भी सेम कलर कर रही हूँ। आप कोई कॉन्ट्रास्टिंग कलर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे ब्लू, ग्रीन, रेड, जो आपके कलर स्कीम में बैठ रहा हो वैसे। तो अब हम इसको डेकोरेट करना शुरू करेंगे। ये लेस पड़ी है मेरे पास, इसको फेविकॉल से स्टिक करेंगे। ये स्टोन्स हैं और ये मिरर है, कुछ मेरे पास मिरर है, बहुत कम है, देखते हैं कहाँ यूज़ होगा। और ये 3D कलर्स हैं तो इन सब से अब हम अपना डेकोरेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले तो ये जो मिरर हैं वो हम स्टिक करेंगे। उसके ऊपर लगा लिया फेविकॉल और उसको हल्का सा स्प्रेड करके अब हम स्टिक कर रहे हैं। बहुत कम फेविकॉल आपको यूज़ करना है। अगर आप ज़्यादा फेविकॉल यूज़ करोगे और वो जल्दी ड्राई नहीं होगा तो आपका मिरर धीरे धीरे नीचे खिसकना शुरू हो जाएगा। तो बस जितना चाहिए उतना ही थोड़ा सा फेविकॉल लेके एक बूंद उसको स्प्रेड कर दीजिए। अब हम ये ब्लू कलर के स्टोन्स लगाएंगे। मैं ये माचिस की तीली यूज़ कर रही हूँ। आप माचिस की तीली या टूथपिक यूज़ करके इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा फेविकॉल लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटे स्टोन्स हैं। अब बारी है ये 3D पेंट की। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये हल्का सा ऊपर रहते हैं तो वो अच्छी सी डिज़ाइन और इफ़ेक्ट देते हैं। और इसमें जो ये नेचुरल इसमें जो लाइंस बनाई हुई हैं, मैं बस उसी को अभी ये 3D से कवर करने वाली हूँ। ये जो कटवर्क वाले गरबा होते हैं उनको डेकोरेट करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। अब इसमें ऑलरेडी ये डिज़ाइंस बनी हुई हैं तो ये 3D का जो कॉपर कलर है उसी को लेके मैं ये दूसरी डिज़ाइन को आउटलाइन कर रही हूँ तो वो और उठ के दिखेगा और सुंदर दिखेगा।
अब वैसे ही हम ये रेड स्टोन्स लगाएंगे। ये जो 3D कलर्स हैं उसमें बहुत ही सिलेक्टेड आपको शेड्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है, तो आप देख लेना कि वो कलर आपके कलर स्कीम में बैठते हैं कि नहीं। अब हम इसका जो टॉप है उसे डेकोरेट करना शुरू करेंगे। ये लेस पे मैं अभी ये ग्लू लगा रही हूँ, ये लगा दिए पतली लाइन, इसको स्प्रेड करके अब हम लगाना शुरू करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाइए और देखिए, आप पहले से भी मेजर करके ये निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा, या फिर ऐसे लगाते जाइए और जहाँ पे आपकी लाइन ख़त्म हो गई आप उसको काट दीजिए। एक तो आपको लूज स्टोन्स मिलते हैं और दूसरा ये ऐसे है जो स्टिकर हैं, इसकी पूरी लाइन एक साथ निकल सकती है, उस पर ग्लू है लेकिन फिर भी इस सरफेस पे स्टिक करने के लिए मैंने इस पर थोड़ा और ग्लू लगा दिया है और इसको अब मैं लगा दूंगी इस टॉप पे। अब बारी है फिर से लेस की। ये लेस है मेरे पास और मैं एक बार ये लगा चुकी लेकिन मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई तो मुझे पता नहीं चला कि वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। खैर, अब ये हम जो सेकंड पीस है लेस का वो लगाएंगे। अब मैं इसके ऊपर पहले फेविकॉल लगाती हूँ, ये मैंने नाप के पहले ही काट ली है। अब सेम वैसे ही लेस का पीस हम यहाँ ऊपर भी लगाएंगे।
और इस दिए को भी एक अच्छा सा रेड कलर कर दिया है। तो ये फाइनल गरबा रेडी हो गया है डेकोरेट होके, ये देखिए, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आप बताना कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि मुझे मेरे टैलेंट पे जितना भरोसा है ना, उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको मेरा गरबा कैसे लगा, आपने गरबा डेकोरेट किया या नहीं। और ये जो इसका दिया है उसको मैंने एक अच्छा सा रेड कलर कर दिया है, और अब मैं ये दिया इसके अंदर रखूंगी और जलाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि ये दिए के साथ कैसा दिखता है। सबसे पहले इसके अंदर डाले थोड़े से मूंग, आई थिंक वो दिया उससे डोलता भी नहीं है और वो आई थिंक हीट को भी कंट्रोल करता है, इसलिए शायद अंदर डालते हैं मूंग। ये देखिए, ये इस तरह से दिखता है। और अब इसके अंदर हम रखेंगे अपना दिया। ये गरबा रोशनी हो तो भी सुंदर दिखता है, दिन में भी सुंदर दिखता है, और रात को जब अंधेरा हो जाए तब भी उतना ही सुंदर दिखता है, ये देखिए। और जो कटवर्क है उसमें से जब लाइट बाहर आती है तो बहुत बहुत खूबसूरत दिखता है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है तो शेयर भी कर देना। आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि।